राज्यसभा सदस्य गुलाब नबी आजाद फेब्रवरी 15 मुक्त इंदु विदायद भाषण कांग्रेस नायक भाषण केळि प्रधानी नरेंद्र मोदी भावुकरागिद्दारे। राज्यसभेयल्लि प्रधानी गुलाब नबी आजाद मानवीयते सरळतेय कुरितु मातनाडिदरु। ई वेळे मोदी कंगळल्लि नीरु तुंबिकोंडित्तु। इन्नु विदायद भाषण माडिद गुलाब नबी आजाद हिंदुस्तानदल्लि मुस्लिम आगि हुट्टिरुवुदु नन्न हेम्मेय विषय एंदु हेळिद्दारे। सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए, इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये हमारा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चार माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं, आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा।